गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आइए चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसे कि उसमें आपने देखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम हर तरह की चीजों को मैनेज करते हैं बाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो अब इसकी नीड क्या है, क्या हो सकता है बड़ी मेमोरी मैनेजमेंट की। तो कंप्यूटर में ओएस द्वारा मेमोरी मैनेजमेंट करने का मुख्य कारण नहीं मिलता, मुख्य कारण आपको ये पड़ता है। देखिए, ये सीपीयू है जो आप देख रहे हैं, इस पूरे फिगर में आप देख रहे होंगे, और ये आपकी रैम है। ये रैम का स्लॉट आप देख सकते हैं, इस तरह रैम होती है। देखिए, यहाँ से फंसाई जाती है, स्लॉट बना हुआ है। ये फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है रैम के द्वारा। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये आपका प्रोसेसर है। ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेमोरी मैनेजमेंट के यूज से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी का एनालिसिस करके ये चेक करता है कि उसमें कितना खाली स्पेस बचा हुआ है, और उन क्या कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस में किसी नए प्रोग्राम और उसके डेटा को किस प्रकार से जमा किया जाना चाहिए, ये हम देखते हैं। इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि जिन प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है उनके द्वारा मेमोरी में ऑथराइज किए गए प्लेस को मुक्त किया जाए, जिससे कि मेमोरी खाली, मेमोरी में आपका स्पेस खाली बना रहे। दूसरा ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट की यूज ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेटा को अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में कैसे हम डिवाइड करके स्टोर किया जाए, जिससे कि एक प्रोग्राम का डेटा दूसरे प्रोग्राम के डेटा पर अननेसेसरी प्रभाव डालकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये कंप्यूटर के सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम को मेमोरी में जमा डेटा के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिए उस प्रोग्राम और उसके द्वारा यूज किए जाने वाले डेटा को दोनों कंप्यूटर्स के प्राइमरी अर्थात रैम में लाकर जमा करना आवश्यक है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि रैम में हमेशा किसी प्रोग्राम को जमा करने के लिए खाली जगह हो। कई बार डिफरेंट रीजन से रैम की मेमोरी स्पेस का दुरुपयोग होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन इत्यादि। इसके मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में तो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ऐसे में रैम की मेमोरी स्पेस का पूरी तरह से फुल हो जाना एक सिंपल सी बात है। इस प्रकार जो स्थिति से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैपिंग टेक्निक का यूज करके प्राइमरी मेमोरी में नए प्रोग्राम की जगह बनाता है। ये सब वर्क भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर ही आता है। अब इसकी टेक्निक्स का अगर हम बात करें तो एक होता है कॉन्फिगर मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि आपने देखा है कॉन्फिगर मेमोरी एलोकेशन में हम कैसे कर सकते हैं। ये मेमोरी जब एलोकेट करने का सबसे सिंपल मेथड होता है। इसमें कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को मेन रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट का उपयोग यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने निजी वर्क के लिए करता है, तथा तो दूसरे भाग में दूसरे पार्ट के किसी भी एक प्रोग्राम को ये एलोकेट कर दिया जाता है। इसमें एक बार में एक ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मेमोरी एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जैसे आपका तो देखा होगा, इसमें नॉर्मली क्या देखते हैं, पार्टीशन एलोकेशन। इसमें रैम को कई अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन प्रत्येक हिस्से का कॉन्टिगस प्रवृत्ति का होता है। प्रत्येक हिस्सा कॉन्टिगस प्रवृत्ति का, अर्थात इसमें उन प्रत्येक हिस्से में केवल एक ही प्रोग्राम को हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है पेजिंग। तो पेजिंग में क्या है कि ये जो मेथड है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को
निश्चित साइज की यूनिट में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम पेज फ्रेम कहते हैं। यहाँ इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्राम का जो साइज है पेज फ्रेम के साइज के बराबर हो, जिससे कि प्रत्येक पेज फ्रेम में एक प्रोग्राम को स्टोर किया जा सके और मेमोरी का बेहतर यूज कर सके। अब आता है सेगमेंटेशन। ये बहुत ही अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। इसमें मेमोरी को कई छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। इन प्रत्येक पार्ट्स का जो साइज होता है वो डायनेमिकली होता है और एक दूसरे से अलग हो सकता है। इन एवरी सेगमेंट में हम प्रोग्राम के एक पार्ट्स को जमा कर सकते हैं। स्वैपिंग टेक्निक है। स्वैपिंग में हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स की जो प्राइमरी मेमोरी का आकार बहुत ही सीमित होता है, तो कई बार ये पूरी तरह से फुल भी हो जाती है, जिससे कि नए प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने की जगह नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैपिंग टेक्निक का यूज करता है। तो किसी ऐसे प्रोग्राम जिसका एग्जीक्यूशन आपका करंट में रुका है, उसमें कुछ समय के लिए कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क में भेज देता है। इससे प्राइमरी मेमोरी की जगह खाली हो जाती है और इस खाली जगह का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम किसी नए प्रोग्राम के लिए करता है। एडवांटेज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये मेमोरी के स्पेस को बिना बर्बाद किए उन्हें बेहतर तरीके से यूज करने में मदद करता है। ये अधिक अधिक प्रोग्राम और उनके डेटा को प्राइमरी मेमोरी में जमा करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मल्टी प्रोग्रामिंग करने में मदद करता है। और अच्छा मैनेजमेंट के कारण सीपीयू द्वारा मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने की स्पीड भी बढ़ती है, जिससे कंप्यूटर आपका जल्द से जल्द आउटपुट प्रोवाइड करके अपने परफॉर्मेंस को बेटर करता है। इसके यूज से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी स्पेस को चेक करता है। जैसे ही किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, उस प्रोग्राम को के द्वारा ऑथराइज मेमोरी स्पेस को खाली करके किसी नए प्रोग्राम को उस स्पेस पे स्टोर करने की व्यवस्था कर देता है। कंप्यूटर के मेमोरी अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी के परफॉर्मेंस को सुधारता है, जिससे कि वह अपने काम को हाई स्पीड से पूरा कर सके। मेमोरी मैनेजमेंट किसी भी डेटा को सुरक्षित करता है और एक प्रोग्राम के डेटा को किसी दूसरे प्रोग्राम के डेटा से अनऑथराइज रूप से कम्युनिकेट करने से रोकता है और उन्हें एक से एक दूसरे से अलग रख के करता है। अब इसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की हम बात करें। देखिए, आइडियल मेमोरी वो है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और जो जरूरी आवश्यकता के अनुसार स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। ऑल्दो मेमोरी यूनिट की बनावट के कारण उसमें शीघ्र आवश्यक डेटा और इंस्ट्रक्शन की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक लिमिट से, एक सीमित रूप से स्टोर किया जाता है। ये सीपीयू का पार्ट नहीं है। जब मेमोरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कम समय लेती है, तब इसे स्पीड यानी एक स्पीड मेमोरी हम कह सकते हैं, तीव्र मेमोरी हम कह सकते हैं, जब इंफॉर्मेशन को वो कम समय लेती है रिसीव करने में। कंप्यूटर में पर्सनल रहने वाले मेन मेमोरी को ही फिजिकल या रियल मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर इसी मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करंटली जरूरी प्रोग्राम के पार्ट को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करता है। सिमिलरली वो प्रोग्राम जो करंटली यूज नहीं होते हैं उन्हें मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। मेमोरी यूनिट तो वही यूनिट होती है जो डेटा स्ट्रक्चर को आसानी से हैंडल करती है और सभी इंस्ट्रक्शन डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होती है। ये मेमोरी यूनिट का आपका डेफिनेशन है। इस यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज मेन मेमोरी या इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इसको हम IMB कहते हैं, इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। तो इसका बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या क्या है, जैसे कि डायनेमिक स्टोरेज रिलोकेशन, जिसे हम लॉजिकल मेमोरी, जिसमें लॉजिकल मेमोरी है फिजिकल मेमोरी एड्रेस को कन्वर्ट करती है।
यानी कि इसमें एक रिलोकेशन रजिस्टर होता है जिससे ये मेमोरी फिजिकल मेमोरी को एड्रेस को कन्वर्ट करती है। कॉमन प्रोग्राम यूजर द्वारा शेयर करना जो मेमोरी में स्टोर है, अनऑथराइज एक्सेस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना व यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को बदलने से रोकना, ये चीजें आपको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में मिलती है। अब आता है कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। जैसे हमने फिजिकल एड्रेस की बात की, लॉजिकल एड्रेस की बात की। फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन एड्रेस का यूज किया जाता है उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। सीपी द्वारा क्रिएट एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस का नाम दिया जाता है। दोनों एड्रेस स्पेस प्रोग्राम द्वारा इम्प्लीमेंट होते हैं और अपने रिलेटेड एड्रेस के अरे से मिलकर बनते हैं। दोनों रजिस्टर का मान या की वैल्यू इक्वल होती है और जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू करता है उसके फैक्टर बदलते जाते हैं। इसलिए हम फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में बदलने के लिए एक मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें हार्डवेयर सपोर्ट की आवश्यकता होती है और वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, जैसे कि देखिए मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए सीपीयू है, सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ये बात याद रखिए। अब ये आपका फिजिकल एड्रेस, मेमोरी हमेशा फिजिकल एड्रेस जनरेट करती है, ये आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो जैसे कोई सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करती है तो ये एक लिमिट रजिस्टर होता है, इसकी कुछ लेस देन, अगर जो भी एड्रेस है वो इसके लेस देन है, यानी कि लॉजिकल एड्रेस से क्या आपका लेस देन है, तो एरर नहीं आएगा। अगर बड़ा है तो यहाँ पर ट्रैप एरर आपको दे देगा। इसके बाद ये यहाँ पर आएगा रिलोकेशन रजिस्टर से, इसको हम ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू भी होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 50 है और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 52 है, तो 50 आपका सही है, एरर नहीं है। तो ये यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 50 + 2 = 52 इज द फिजिकल एड्रेस। तो 52 नंबर की लोकेशन पर जो भी डेटा पड़ा होगा उसको वहाँ से उठा लिया जाएगा। देखिए रिलोकेशन रजिस्टर, इसमें सबसे छोटे फिजिकल एड्रेस की वैल्यू कंटेन है। जो रिलोकेशन सबसे छोटे फिजिकल एड्रेस की वैल्यू कंटेन होती है। लिमिट रजिस्टर, इसमें लॉजिकल एड्रेस की रेंज कंटेन होती है, यानी इसमें रेंज होती है लॉजिकल एड्रेस, जिससे हम चेक करते हैं कि आपका वैल्यू इसी कंडीशन पे है कि नहीं। इसके फायदे क्या है? इसका मेन एडवांटेज यह है कि ये डेटा स्ट्रक्चर को आसानी से हैंडल कर सकता है, अर्थात जब हमें डेटा स्ट्रक्चर की एक्चुअल साइज का नॉलेज ना हो तो इसे यूज से आवश्यकता अनुसार साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में होती है कि डेटा स्ट्रक्चर को ये आसानी से हैंडल करता है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर की एक्चुअल साइज का ज्ञान ना हो, हमें पता ना हो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल साइज क्या है, तब इसके यूज से हम अपने अनुसार साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इसे मेमोरी में लोड होने में टाइम लगता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अर्थात टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज यह है कि मेन मेमोरी की तुलना में ये स्लो होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हमें फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में बदलने के लिए एक मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें एक हार्डवेयर सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब वो हार्डवेयर सपोर्ट क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहलाता है। जैसे कि आपने इस फिगर में ही देखा। अब मेमोरी एलोकेशन एक कैटेगरी है कि आपकी मेमोरी एलोकेशन होता क्या। तो ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट की जाती है। ये दो तरह का है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को कंपाइल टाइम में ही एलोकेट कर दिया। इस एलोकेशन को यूज तब किया जाता है जब मेमोरी की साइज लिमिटेड है। यानी इस एलोकेशन का हम यूज तब करते हैं, हेलो आयुष, जब मेमोरी की साइज आपकी लिमिटेड। इसमें हम एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी को एलोकेट और डीएलोकेट नहीं कर सकते।
जो भी वेरिएबल होते हैं वो हमेशा के लिए एलोकेट हो जाते हैं। स्टैक तथा हीप के द्वारा इस एलोकेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए आपको ये कोड होता है, ये आपका हीप है, ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, ये एरो नीचे, ये स्टैक है, ये स्टैटिक डेटा यहाँ पे पड़ा होता है। और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वह प्रोसेस जिसमें रन टाइम में एलोकेट की जाती है, ये आपका रन टाइम में एलोकेट होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाती है, डेटा सेगमेंट के द्वारा इस एलोकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ कैटेगरी होती है, एक अब मेमोरी एलोकेशन भी देखा जाए अगर तो एक होता है कॉन्टिगस, एक होता है नॉन कॉन्टिगस। अगर हम कॉन्टिगस की बात करें तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है जिसमें जब एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आती है तो वो पीसेस में डिवाइड नहीं होती और वो पूरी प्रोसेस एक साथ मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है, यानी कि जो भी है प्रोसेस वो एक साथ मेमोरी में, एक ही ब्लॉक में स्टोर हो। दूसरे शब्दों में ये कहें तो कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है जिसमें एक प्रोसेस को मेमोरी का एक सिंगल कॉन्टिगस सेक्शन एलोकेट किया जाता है। इसके कारण मेमोरी स्पेस एक साथ एक ही जगह पर रहती है। मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, दूसरा पार्ट यूजर प्रोग्राम के लिए होता है। मेमोरी के पार्ट्स को फिक्स साइज के पार्ट्स में डिवाइड करके कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन का। अरे इस मेमोरी एलोकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि अरे को कॉन्टिगस मेमोरी प्रोवाइड किया। ये देखिए ये अरे का साइज बिल्कुल फिक्स होता है, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन इसको प्रोवाइड किया। एडवांटेज क्या है इसका, मेन वाइज प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि फाइल के ब्लॉक को ट्रैक करना इजी होता है। जिस ब्लॉक में फाइल आपकी स्टोर है उस ट्रैक को हमें उसको ट्रैक करना है, उसको एक्सेस करना इजी होता है। फाइल में रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करते हैं, हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका मेन जो डिसएडवांटेज है मेन मेमोरी वेस्टेज है, इसमें मेमोरी का नुकसान होता है क्योंकि इसमें डिस्क फ्रेगमेंटेड हो जाती है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। और नॉन कॉन्टिगस अगर हम बात करें नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन तो ये भी एक मेथड है जिसमें जब एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है तो पीसेस में डिवाइड होता है और मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि नॉन कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है जिसमें एक प्रोसेस को हम अलग अलग मेमोरी एलोकेशन लोकेशन में अवेलेबल मेमोरी स्पेस एलोकेट किए जाते हैं। ये मेमोरी एलोकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और ये मेमोरी वेस्टेज को कम भी करता है। इसका मेन एग्जांपल है लिंक्ड लिस्ट। ये डेटा स्ट्रक्चर आपने ध्यान दिया होगा लिंक्ड लिस्ट इस मेमोरी एलोकेशन का एक एग्जाम्पल है क्योंकि हमें इसमें लास्ट नोड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसमें लास्ट नोड को, जो लास्ट नोड होता है, हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते लिंक लिस्ट में। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, मेमोरी की सेविंग हो जाती है। नुकसान देखें तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि प्रोसेस टुकड़ों में अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर स्थित होते हैं। नॉन कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। अगर डिफरेंस अगर देखें हम इसका डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस हम देख सकते हैं सबसे पहले तो कि कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक प्रोसेस को मेमोरी के कॉन्जिगेटिव ब्लॉक्स एलोकेट करता है और नॉन कॉन्टिगस में कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन एक प्रोसेस को मेमोरी के सेपरेट ब्लॉक को एलोकेट करता है। इसमें प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्पीड से होता है, इसमें धीमा होता है। OS को कंट्रोल करना आसान है, इसमें OS को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें ओवरहेड कम होता है क्योंकि एड्रेस ट्रांसलेशन कम है। इसमें ओवरहेड ज्यादा होता है क्योंकि एड्रेस ट्रांसलेशन ज्यादा होता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इसमें सिंगल
पार्टीशन एलोकेशन और मल्टी पार्टीशन एलोकेशन इंक्लूड होता है, इसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन इंक्लूड रहता है, इसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है, इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है, इसमें सोयाबीन प्रोसेसेस को ओरिजिनल एरिया में रखा जाता है और इसमें सोयाबीन प्रोसेसेस को मेमोरी में कहीं भी रख दिया जाता है। तो ये चीजें इसमें आसानी से होती है। अब जैसे क्वेश्चन बनता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि बेस्ट फर्स्ट फिट क्या होता है, बेस्ट फिट क्या होता है, वर्स्ट फिट क्या होता है, बड़ी सिस्टम नेक्स्ट। देखिए ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम कहलाती है। फर्स्ट फिट मेमोरी एलोकेशन, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें तो इस फर्स्ट फिट अप्रोच को हम जब अपनाते हैं तो इस टू एलोकेट द फर्स्ट फ्री पोर्शन या होल, जो भी पहला फ्री पार्टीशन या होल होता है, लार्ज इनफ, बड़ा, विच कैन अकोमोडेट द प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को अकोमोडेट कराते हैं। इट फिनिशेस आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट सुटेबल फ्री पोर्शन, जो सुटेबल फ्री पोर्शन होता है, पार्टीशन होता है, उसमें आपका वो जो जो स्पेस है वो स्पेस ले लिया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि फास्टेस्ट एल्गोरिथम बिकॉज इट सर्चिंग एट लिटिल एज पॉसिबल, इसको सर्चिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती। और डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग अनयूज्ड मेमोरी एरियाज है लेफ्ट आफ्टर एलोकेशन बिकम वेस्टेड इफ इट्स टू स्मॉल, यानी कि इसमें अगर हम किसी स्पेस मान लीजिए हमारे पास ब्लॉक पहला वाला 90 केबी का मिला और हमको 60 केबी उसमें इंक्लूड करना है तो जो पहला लार्ज इनफ मिलेगा उसमें हम उसको यूज कर लेंगे। मान लो दो स्पेस है, एक 90 का है, एक मान लीजिए 60 का है, एक 70 का है, ऐसा नहीं कि 60 को हम 70 में डालेंगे, जो पहला बड़ा स्पेस मिलेगा जो हमारे लिए फ्री लोकेशन में होगा, सुटेबल फ्री पार्टीशन जो होगा, फर्स्ट सुटेबल फ्री पार्टीशन फाइंड करता है उसमें हम उसको डाल देंगे। इससे सर्चिंग तो फास्ट हो जाएगी बट मेमोरी आपकी 30 के बी के बेस्ट हो गई। बेस्ट फिट में क्या है कि ये विद एलोकेटिंग द स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन, ये स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन आपका एलोकेट करता है, मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। दिस एलोकेशन फर्स्ट सर्चेस द इंटायर लिस्ट ऑफ द फ्री पार्टीशन एंड कंसीडर द स्मॉलेस्ट होल दैट इज अप टू डेट, स्मॉलेस्ट साइज को ढूंढता है। इट देन ट्राइज टू फाइंड अ होल विच इज क्लोज टू एक्चुअल प्रोसेस साइज मीट, ये स्मॉलेस्ट आपका होल स्मॉलेस्ट पार्टीशन को ये सर्च करता है। इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन इज मच बेटर देन फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट से बेटर देन होता है मेमोरी यूटिलाइजेशन और सर्चेज एज ए स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन फर्स्ट अवेलेबल। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज स्लोअर देन मे बी इवन टेंड टू फिल अप मेमोरी विद टिनी यूजलेस होल, फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। फर्स्ट फिट में क्या हम देखते हैं कि इन फर्स्ट फिट अप्रोच टू इज टू लोकेट लार्जेस्ट अवेलेबल फ्री पार्टीशन, जो लार्जेस्ट फ्री पार्टीशन होगा उसको ये अप्रोच ढूंढता है, सो दैट द पार्टीशन लेफ्ट विल बी बिग इनफ टू बी यूजफुल, इट इज द रिवर्स ऑफ द बेस्ट फिट, जस्ट द रिवर्स ऑफ द बेस्ट फिट। ये बड़ा होल फर्स्ट आपका बड़ा होल ये फाइंड करता है, ढूंढता है। रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल होल, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो प्रोसेस है रिक्वायरिंग लार्जर मेमोरी अराइव एट अ लेटर स्टेज एंड इट कैन नॉट अकोमोडेट द एज द लार्जेस्ट होल इज ऑलरेडी स्प्लिट एज अकोमोड। तो ये चीजें थी। अब जैसे नेक्स्ट फिट है ये तो मॉडिफाइड वर्जन है आपका फर्स्ट फिट का, ठीक है ना, जो पहले आपका फाइंड अ फ्री कोर्ट फ्री पार्टीशन एंड कार्ड नेक्स्ट टाइम स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इट लेफ्ट ऑफ एंड नॉट फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये तीन ही चीजें हैं आपकी, फर्स्ट फिट या कह लो नेक्स्ट फिट, आगे बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, ये चीजें इसमें होती हैं। ओके, थैंक यू।